Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are feeling great. Students, we have conditionals in front of us today once again. क्योंकि आज हम इसको finish करेंगे और conditionals को मैं एक बार थोड़ा आपको दोबारा से revise कर देता हूँ जो हम कल पढ़ चुके हैं और please open up your book at page 73. All right, or get ready with a pencil or a pen. So here I start. Conditionals, इसमें अगर आप इस word को पहचाने, condition, कोई भी बात लिखी जाती है या जब हम किसी बात को बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें एक sentence को ऐसे बनाया जाए जिसमें सेंटेंस का कुछ हिस्सा कोई शर्त या कोई कंडीशन को शो करता हो और बाकी दूसरा हिस्सा एक सिंपल सेंटेंस हो. ऑलराइट, लेकिन फिर भी वो उस शर्त से लिंक्ड है. लिंक का मतलब जुड़ा हुआ है, उसका मीनिंग और क्लियर हो जाता है. फाइन, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको पहले हिंदी में बताता हूँ फिर दोबारा से. अगर तुम बहुत तेज दौड़ोगे तो गिर जाओगे. आई होप यू अंडरस्टैंड कंडीशन क्या है इसमें. अगर तुम बहुत तेज दौड़ोगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम गिर जाओगे. तो इस तरह से दोनों सेंटेंसेस इसमें आ गए हैं. इसकी इंग्लिश बताता हूँ. इफ यू रन वेरी फास्ट यू विल फॉल. तो हम पहचान पा रहे हैं कि इफ वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस दोनों का आपस में जुड़ाव है. इफ वाला जो कहलाएगा उसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे कि क्योंकि इस पूरी बात में जो बात ज़रूरी है, मतलब जो कंडीशन है, वो इफ वाला सेंटेंस है. ऑलराइट, अब इफ़ वाले सेंटेंसेस में हम वैन भी लगा सकते हैं और भी कुछ वर्ड्स लगा सकते हैं, लेकिन हम फोकस इफ़ वाले सेंटेंस पर ही पहले करेंगे. ऑलराइट, तो इसमें हमने देखा था कि एक ज़ीरो कंडीशनल भी था और फर्स्ट कंडीशनल तक हम कर चुके थे. तो एक बार हम ज़ीरो कंडीशनल देखते हैं फिर दोबारा से. देखिए, ज़ीरो कंडीशनल के अंदर क्या बात है. ज़ीरो कंडीशनल में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों ही सेंटेंसेस, आई मीन टू से दोनों ही पार्ट्स, जैसे इफ़ वाला पार्ट सेंटेंस में और जो दूसरा पार्ट होता है, ओके, जो सिंपल सेंटेंस है, वो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. आई रिपीट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. ओके, अब जैसे कि क्या इसको सिंपल जान, इसको इजीली जानने के लिए, पहचानने के लिए, कि इफ़ वाला हमने सेंटेंस शुरू किया, सबसे पहले इफ़ यूज़ किया, इफ़ के बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया और उसमें वर्ब के साथ एस ई एस लगा देंगे. अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाएंगे. जब इसका सेकेंड पार्ट हमें बोलना होगा तो फिर सब्जेक्ट, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस लगा देंगे. ऑलराइट, तो इफ़ वाले हिस्से में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगा सकते हैं और वर्ब दूसरा वाला सेंटेंस जो इफ़ वाला नहीं है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस लगा सकते हैं. ऑलराइट, सो आई हैव टेकन अप सम एडिशनल एग्जाम्पल्स हियर. मैंने यहाँ पर थोड़े अलग से और एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो आप देखते हैं कैसे. नंबर वन, आप अपनी पेंसिल से लिखते रहना साथ साथ, या इसको समझ लेने के बाद वीडियो में दोबारा लिख लेना हिंदी. इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, अगर तुम जल्दी स्टार्ट कर देते हो या जल्दी चल पड़ते हो, जल्दी शुरू कर देते हो, वी रीच ऑन टाइम. इसमें हम यहाँ पर वी के बदले यू कर लें. यू
रीच ऑन टाइम, दोनों जगह हमें सेम सब्जेक्ट रखना है। आई रिपीट, इफ यू स्टार्ट अर्ली, अगर तुम जल्दी स्टार्ट कर देते हो, यू रीच ऑन टाइम, तो तुम समय पर पहुंच जाते हो। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रूथ है, कोई फैक्ट है या कोई ऑब्जर्वेशन है, इन तीनों का मतलब कोई सच्चाई है, ओके, कोई तथ्य है जिसको कि आप झुटला नहीं सकते, या कोई ऐसी चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की, हमने उसको देखा, या जो रोज़ाना सच, मतलब जिसको हम जिस पर ध्यान देते हैं तो वैसी ही होती है। ऑल राइट, चाहे वो कुदरती कोई प्राकृतिक कोई घटना ही क्यों ना हो, तो वो सब चीज़ें, इसलिए उसको हम ज़ीरो कंडीशनल से, यानी कि दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म और SES लगाकर यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ सेंटेंस नंबर टू। इस सेंटेंस में हम नॉट यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, द डॉग्स डू नॉट बाइट, डॉग्स बाइट नहीं करते। अब देखिए, अगर नॉट नहीं हो तो द डॉग्स बाइट हो जाएगा, डॉग्स काटते हैं। अब नॉट लगाने के लिए हमें डू और लगाना पड़ेगा प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ डू नॉट, और अगर सिर्फ डॉग होता तो डज नॉट। तो हमने नेगेटिव बनाया है नॉट वाला, ओके। आप सेंटेंसेस पर जो GPS पर वीडियो है उसको देख सकते हैं, द सेंटेंस पर वीडियो अवेलेबल है GPS पर, आप उसको देखें, रिवाइज करें। द डॉग्स डू नॉट बाइट, डॉग बाइट नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं, इफ अगर वी डू नॉट रन, अगर हम भागते नहीं हैं। तो देखिए, दोनों में डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं हम, दोनों नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हम जैसा हमें कहना है। डॉग्स बाइट नहीं करते हैं अगर हम भागते नहीं हैं, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब ये चीज़ देखने जानने पहचानने में आती है, ऐसा हम महसूस करते हैं। ऑल राइट, एक सिंपल सी बात है। फाइन, वी मूव टू सेंटेंस नंबर थ्री। नेहा स्माइल्स हैप्पीली, नेहा मुस्कुरा देती है खुशी से, व्हेन या इफ। मैंने बताया था ना, कुछ सेंटेंस में व्हेन और इफ दोनों लगा सकते हैं, हम फोकस तो इफ पर कर रहे हैं, लेकिन आप व्हेन से भी यूज करके देखिए। अभी मैं आपको वापस एक जगह और दिखाऊंगा अभी इसको। आई रिपीट, नेहा स्माइल्स हैप्पीली, नेहा स्माइल करती है खुशी से, व्हेन जब या फिर अगर हर टीचर, उसके टीचर या उसकी टीचर आस्क्स हर, कहती है उसको टू रीड, मतलब जब उसकी टीचर उसको पढ़ने के लिए कहती है तो नेहा हैप्पीली स्माइल करती है। तो देखिए, मैंने दो दो वर्ड्स लिख रखे हैं, आस्क हर टू रीड, उसे कहती है रीडिंग के लिए, टेल्स हर टू रीड, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, कहती है, कहना, बताना, या फिर आस्क भी का मतलब एक और होता है पूछने के अलावा, कुछ करने के लिए बताना। ऑलराइट, कोई काम करने के लिए बताने के लिए हम आस्क यूज़ करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने व्हेन का यूज़ किया है और इफ का भी यूज़ कर लिया, अगर और जब। आप इसमें लिख लीजिए व्हेन का मतलब जब, उसी तरह से ऊपर था ये, व्हेन यू स्टार्ट अर्ली, ब्रैकेट में लिख रखा मैंने, जब तुम जल्दी चल पड़ते हो, ओके, यू वी की जगह यू, रीच ऑन टाइम, तो तुम जल्दी पहुंच जाते हो। ऑल राइट, दोनों जगह हम कर सकते हैं। एक और सेंटेंस मैंने ले लिया है, वी आर एट सेंटेंस नंबर फोर, पे अटेंशन। When children play, जब बच्चे खेलते हैं, ऑल राइट, जब बच्चे खेलते हैं, दे फील गुड, तो वो अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ पर आप इफ भी लगा देंगे तब भी वही सेंटेंस हो जाएगा, बस वन when का मतलब जब है, इफ का मतलब अगर हो जाएगा, अगर बच्चे खेलते हैं, इफ चिल्ड्रन प्ले, अगर बच्चे खेलते हैं, दे प्ले, दे फील गुड, वो अच्छा महसूस करते हैं। तो ये ज़ीरो कंडीशनल में आपने दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लेने हैं। ऑल राइट, ये एक तरह से रिवाइज हो रहा है, और एक तरह से समझ लीजिए इसको आप रिपीट ही कर रहे हैं बुक से भी। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग कम्स, द सेकेंड टाइप इज विच इज़ इन द बुक ऑलरेडी गिवन टू यू, टाइप
कंडीशनल वन जिसे फर्स्ट कंडीशनल हम बोल रहे हैं, उसमें क्या पढ़ा था हमने? इफ़ वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, और दूसरे वाले पार्ट में जिसे हम सिंपल सेंटेंस या मेन क्लॉज कहते हैं, उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल प्लस प्रेजेंट टेंस लग जाएगा. ओके, यू विल पास, आई विल गो, आई विल बाय, इस तरह से हमने लगा दिया विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कभी कभी हमें छोटे छोटे की वर्ड्स ज़रूरी वर्ड्स भी बताते हैं, सिखाते हैं, जैसे विल का यूज़ विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें. सब्जेक्ट तो हमेशा लगता है सेंटेंस स्टार्ट करते वक्त. ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड, रिवाइज कर रहे हैं हम, अगर तुम मेहनत करोगे, एंडिंग नोट किया आपने, करोगे लग गया इसमें, क्योंकि इसमें हम ये वाली बात कहने जा रहे हैं कि अगर इफ वाली कंडीशन पूरी करोगे तभी ये वाली बात पॉसिबल है. ओके, इफ वाले सेंटेंस वाली शर्त अगर पूरी करोगे तभी जो नेक्स्ट बात है वो पूरी होगी, वो पॉसिबल होगी. इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. ऑलराइट, तो आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो हमने रिवाइज किया वो याद करना आसान था. चलिए फिर और थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी फर्स्ट कंडीशनल के एग्जाम्पल्स फिर दोबारा देखते हैं हम, जो मैं आपके लिए लाया हूँ फर्स्ट कंडीशनल. मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, बुक वाले तो आपके पास है ही रेडी, पढ़ सकते हैं, वीडियो से आप देखकर और भी आगे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं अपनी. अब देखिए इसमें क्या है, कैसे फ़र्क है पहले में और उसमें, ज़ीरो में और फर्स्ट में, और अब ये जो आगे आते रहते हैं इसमें फ़र्क क्या. तो ज़ीरो आपने पढ़ लिया, फर्स्ट वाले में वही आ गया. और एग्जांपल देखिए, इफ़ यू बाय न्यू शूज़, इफ़ वाला पार्ट आ गया ना, यू बाय, तुम खरीदते हो नए शूज़, दे विल लुक गुड, तो वो अच्छे लगेंगे. दोनों में गे एंडिंग आ रहा है, इसीलिए जब भी स्टूडेंट सेंटेंस को लिखता है तो उससे पहले वो दिमाग में बनाता है उसको. अगर मैं नई ड्रेस खरीदूंगी तो अपने बर्थडे पर पहन लूंगी, तो इस तरह से सोचते हैं. ऑलराइट, अगर कैंटीन खुली होगी तो हम गुड्स को ले आएंगे, सामान को ले आएंगे, तो ये सोचना पड़ता है. तो जब आप दिमाग में या मन में आप एंडिंग सोच रहे होते हैं तो उसके साथ इसको जोड़िए. इसीलिए अभी से आप दिमाग में सेटल कीजिए. ऑलराइट, सेंटेंस नंबर टू, एंडिंग को आखिरी में सेंटेंस के जो वर्ड्स आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें फ़ायदा है, हम हिंदी में इसको लर्न करने में बहुत फ़ायदा है. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सीता विल गेट एंग्री, सिया है ये, सिया ऐसा ये विल गेट एंग्री, नाराज़ हो जाएगी. इस बार इफ से स्टार्ट नहीं कर रहे, इफ वाला बाद में ले रहे हैं. इफ़ वी ईट, अगर हम खा लेंगे, हर लंच, उसका लंच, दोपहर का खाना, तो पहले इफ़ वाला सेंटेंस ना आकर पहले सिंपल सेंटेंस आ सकता है, फिर इफ़ वाला लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, तो फिर वही देखिए, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल गेट. ओके, एंग्री क्या है, ये एडजेक्टिव है, कैसा, नाराज. ओके, हैप्पी, खुश, वही वाली बात. तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देखिए वी ईट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बहुत इजी है इसको याद रखना. नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल मेमोराइज, तुम याद कर लोगे इजीली. ओके, फिर इफ को बाद में लिया है. इफ यू, अगर तुम राइट लिखते हो एंड रिवाइज, और रिवाइज करोगे, फिर बोलता हूँ, तुम इजीली मेमोराइज, याद कर लोगे अगर तुम लिखोगे और रिवाइज करोगे. मैं एंड पर जोर दे रहा हूँ, करोगे लिखोगे, दोनों के अंदर आपको क्लियर हो गया. एक में हमने सिंपल प्रेजेंट लगाना है और एक में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, ये रूल है जो आप ऊपर देख सकते हैं.
प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, और दूसरे में भी फ्यूचर इनडेफिनिट। ऑलराइट, बुक से भी आप देख सकते हैं। अब मैंने एक नेगेटिव वाला सेंटेंस इसमें भी ले लिया है, देखिए कैसे। इफ़ यू डू नॉट ड्राइव फास्ट, बोलते वक्त हम डोंट कहते हैं, बुक्स में भी आपको डोंट मिल सकता है, लिखते वक्त हम डू नॉट। इफ़ यू डू नॉट ड्राइव फास्ट, अगर तुम तेज़ गाड़ी नहीं चलाओगे, ड्राइव नहीं करोगे, यू विल बी सेफ, तुम सुरक्षित रहोगे। इफ़ वाले में उसी तरह से डू नॉट लगा दिया, ठीक है। इफ़ वाले में हम नॉट की वजह से, नेगेटिव बनाने की वजह से हम डू लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि यू के साथ डू लगता है, ही शी इट होता तो डज लगता। ओके, इफ यू डू नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट ही नहीं लगेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जब हम किसी सेंटेंस को नॉट वाला बनाने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ नॉट लगा के ही वो नेगेटिव नहीं हो जाता, इस बात को बहुत ध्यान रखिए। सब्जेक्ट अगर डू डज, सब्जेक्ट अगर यू वी दे प्लूरल है तो डू नॉट, सब्जेक्ट अगर सिमिलर है जैसे ही शी ओके टॉम एंजल तो डज नॉट। फाइन, आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल सेंटेंस में ले जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम, आई विल गिव यू माई नोटबुक, आप क्लास में ऐसे ही करते हैं, मैं तुमको अपनी नोटबुक दे दूँगा इफ़ योर ब्रदर, अगर तुम्हारा भाई डज नॉट स्पॉइल इट या टेयर इट, अगर तुम्हारा भाई इसको नहीं ख़राब करेगा या नहीं फाड़ेगा। तो देखिए योर ब्रदर आ गया, एक ही है ब्रदर, तो डज नॉट लगा दिया हमने, जो मैं अभी बात कह रहा था ऊपर, प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। तो आप जनरली यही कहते हैं ना, मैं अपना पेन नहीं दूंगा, मैं अपना पेन दे दूंगा तुमको अगर तुम लौटा दोगे या ख़राब नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, सेम चीज़ें हम इसमें कह सकते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम रिवाइज कर चुके हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। देखिए, वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट विच इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशनल। ओके, अब ये सेकंड कंडीशनल क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बातें आप कहना चाहते हो लेकिन वो बहुत मुश्किल से पूरी होंगी, जिनके पूरे होने की संभावना बहुत कम है, जिनके जिस बात के पूरा होने में, सफल होने में, कंप्लीट होने में बहुत कम चांसेस हैं, उसको हम, उसमें हम ये वाला सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। ओके, आपको ये देखना है कि सेंटेंस बनेगा कैसे, सेकंड कंडीशनल वगैरह ये फर्स्ट या जीरो हमने इसलिए कह दिया इनको ताकि हम इनको अलग अलग कर सकते हों याद रखने के लिए, लेकिन हमें सेंटेंस को बनाकर ही समझ में आएगा, लिख कर ही समझ में आएगा, रिवाइज कर कर ही समझ में आएगा। देखिए क्या करना है इसमें, इफ़ वाला जो पार्ट आ गया जिसे हम कंडीशनल पार्ट कहते हैं, तो उसमें हमने पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, इम्पॉर्टेंट नई बात। इफ़ वाले सेंटेंस में हमने पास्ट ओके सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, V2। जो सिंपल पार्ट है, मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंस, उसको हम क्या करेंगे, वुड लगाकर, वुड लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ओके, वुड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आपको ऐसे ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, इफ सुदेश, सुदेश हमने सब्जेक्ट लगाया, इफ लगाया कि वह सब्जेक्ट लगाया, इसका सेकंड फॉर्म वन अ लॉटरी, अगर सुदेश ने लॉटरी जीती, या फिर अगर सुदेश लॉटरी जीत लेता है, हिंदी में इसका प्रेजेंट में आ रहा है, मीनिंग ही वुड गो ऑन अ ट्रिप टू यूरोप, तो वो यूरोप में सैर के लिए चला जाएगा, यात्रा के लिए चला जाएगा। ओके, तो हम इस वाली बात को पास्ट टेंस में तो ले रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। कैसे, अगर मैंने जीत ली, मतलब मैं अगर जीत लूँगा, अगर मैं जीत लेता हूँ, हिंदी में कहने में देखिए फ़र्क आ रहा है, लेकिन इसके हमें सेंस को समझना है। ओके,
कि अगर मुझको टीम में जगह मिली तो मैं फर्स्ट आऊंगा, अगर मुझे सिंगिंग का मौका मिला तो मैं बेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। तो इसलिए आप सेकंड फॉर्म लगाओगे। मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अगर ये कह देने मतलब है कि बहुत मुश्किल से लॉटरी जीतेगा, क्योंकि लॉटरी अगर आप ऐसा तो है नहीं है कि आपने एक लॉटरी खरीदी और जीत गए, इट्स नॉट पॉसिबल। उसी तरह से सिंगिंग में आपने पार्टिसिपेट ही कर लिया और आप जीत गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो चीज़ जो कंडीशन बहुत मुश्किल से पूरी होगी या असंभव सी होगी, उसमें आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ़ विनय न्यू हिज नेम, अगर विनय को उसका नाम पता होता, ही वुड इंट्रोड्यूस हिम टू मी, तो वो मुझे इंट्रोड्यूस करता उसको। ऑल राइट, ये सेंटेंस थोड़ा हिंदी में समझने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है, तो वाई नॉट वी टेक सम अदर सेंटेंस, हम कोई और सेंटेंस उसमें लेने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप लिख लीजिए एक सेंटेंस, आप लिख लीजिए, इफ आई इन्वाइटेड यू, अगर मैं तुमको इन्वाइट करता, ओके, यू वुड कम अ फ्यू डेज अर्लियर, तो तुम कुछ दिन पहले ही आ जाते। ऑलराइट, इसमें हमको इस तरह से बताना होगा, ठीक है। आपने वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है। और देखिए इसमें क्या कहना चाहता है वो, देखिए, इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसे होते, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैड, फर्स्ट होती है हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड। इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाय अ बिगर हाउस। ये भी इस बात से क्या एक्सप्रेस होता है कि वो उसके पास पैसे नहीं हैं और बहुत मुश्किल है कि उसके पास पैसे हों। तो हम जो बात को जिस सेंस को कहना चाहेंगे वो इसी सेंटेंसेस से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुड का भी यूज़ किया जा सकता है, ये मतलब आ रहा है। वी कैन यूज़ कुड इन इन सेकेंड कंडीशनल्स एज वेल। इफ़ ही ट्रेंड एवरी डे, अगर वो रोज़ ट्रेनिंग करेगा, ओके, ही कुड प्ले इन द नेशनल टीम, तो वह नेशनल टीम में खेल सकेगा। हमें पता है कि वो ट्रेन ही नहीं करेगा रोज़ाना, होता है ना, जैसे जैसे कोई कोई बच्चा है, मान लीजिए वो रोज़ाना लिखता ही नहीं है, तो उसकी हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव होगी, उसकी राइटिंग कैसे इम्प्रूव होगी। तो हम उसी केस में कह रहे हैं जो कोई ऐसा काम नहीं करता हो। ऑलराइट, तो ये सेंटेंसेस हो गए। देन वी मूव टू द थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल क्या है, ये भी डिफरेंट है लेकिन बहुत यूजफुल सेंटेंस है, हमें इसको लिखने में बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखिए कैसे, ये वो वाली बात बताता है जो कि कोई कंडीशन पूरी ही ना हो सकती हो, एक ऐसी इच्छा हो जो कभी पूरी ही ना हो सकती हो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे तुम कल मिल जाते तो हम पिकनिक जा सकते थे, कल निकल चुका है, ठीक है, तो अब हम पिकनिक नहीं जा सकते। इसका मतलब इसका मतलब कल निकल चुका है और हम पिकनिक नहीं गए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आइसक्रीम नहीं पिघलती तो हम खा लेते, इसका मतलब आइसक्रीम पिघल भी गई और हमने नहीं खाई। तो ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन होती है जो पूरा ना हो, जो चीज़ पूरी ना हुई हो, कंप्लीट ना हुई हो। देखिए उसमें कैसे करते हैं, इसमें इस बार इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता ही वॉज कमिंग, कि वो आ रहा था, बोलते हैं हम आ रहा है इस तरह से, लेकिन सेंस कैसे होती है, अगर मुझे पता होता कि वो आ रहा था, आई वुड हैव इन्वाइटेड हिम फॉर द पार्टी, तो मैं उसको पार्टी के लिए इन्वाइट कर लेता। अब इसका मीनिंग निकालें, इसका मतलब मुझको पता ही नहीं था कि वो आ रहा था, पहली बात तो ये हो गई, और मैंने उसको पार्टी के लिए भी इनवाइट नहीं किया।
ठीक है ना। तो ये वाली वो कंडीशन है जो कि फुलफिल ही ना हो, एक ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट में पूरी नहीं हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे और देखिए, बहुत कॉमन है, इफ आई हैड नोन अबाउट द डेंजर, अगर मैं खतरे को जान गया होता, अगर मुझे खतरे का पता चल जाता। आई के बाद हैड और थर्ड फॉर्म, जान लेना, पता लगना। आई वुंट हैव गॉन, नेगेटिव बना रहे हैं, मैं नहीं गया होता, वुंट का मतलब वुड नॉट, मैं नहीं गया होता टू द फॉरेस्ट अलोन, तो मैं फॉरेस्ट में अकेला नहीं गया होता। अब इसका मतलब क्या है कि मुझको डेंजर का नहीं पता था और मैं फॉरेस्ट में अकेला चला गया था कल। ओके, तो एक एक ये वो वाली बात हो गई कि इम्पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि कोई घटना हो गई और अब उसके ऊपर हमारा कोई जोर कंट्रोल नहीं है, अब उसको हम ठीक नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये होगी। ठीक है, अगर तुम टाइम पर पहुंच जाते तो तुम पर फाइन ना लगता, तो मतलब हो गए, मतलब ये हो गया कि वो टाइम पर भी नहीं आया, उस पर फाइन लग गया। ठीक है, अगर तुम टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाते तो गाड़ी तुम्हें मिल चुकी होती, इसका मतलब स्टेशन पर टाइम पर नहीं पहुंचे और गाड़ी भी निकल गई, तो इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते ना, इसका उसी गाड़ी को लेकर अब उसको ठीक नहीं कर सकते। तो एक ये वाली चीज़ है जो सेंटेंस में आ रही है, हमें इसमें रूल का ध्यान रखना है। इफ़ वाले पार्ट में हमको हैड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट बनाना है, और जो सिंपल पार्ट होगा मेन क्लॉज, उसमें वुड, वुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, जो सिंपल वाला पार्ट है उसमें वुड, वुड के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बार बार लिख कर बार बार रिवाइज कर कर ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जनरली ऐसा बनाते नहीं हैं, कभी ट्राई नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं कई बार, क्योंकि हमें आया नहीं होता है। जब तक हमें आएगा नहीं, हम इस बात को इंग्लिश में चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए। ऑलराइट, और अब मैं थर्ड कंडीशनल्स के कुछ सेंटेंसेस भी लाया हुआ हूँ, वो देख लेते हैं। ये जो अभी हम लास्ट वाला पढ़ा हैड थर्ड फॉर्म वाला, कुछ सिंपल से बनाए हैं। देखिए सेंटेंस नंबर वन, इफ रिनी हैड टोल्ड मी, अगर रिनी ने मुझको बता दिया होता, हैड थर्ड फॉर्म। ओके, इफ वाले पार्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर रिनी ने मुझको बता दिया होता, आई वुड हैव गॉन ऑन पिकनिक, तो मैं पिकनिक पर चला गया होता। तो दूसरे वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, वुड हमेशा ही लगाएंगे और हैव हमेशा लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमेशा लगाएंगे। ये बस इस बात को आप लिख लिख कर रिवाइज कर करके देख लीजिए, जितना हम बोलेंगे लिखेंगे ना तभी आएगा, क्योंकि याद, अदरवाइज सेंटेंस सिर्फ रूल याद करने से कभी भी नहीं आ सकता। कोई भी लैंग्वेज बिना यूज़ किए हुए, रिवाइज किए हुए, रिपीट किए हुए नहीं आती है, या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी वुड हैव इंजॉयड, हमने इंजॉय किया होता। इस बार मैं इफ़ वाला सेंटेंस बाद में ले रहा हूँ, पहले वुड वाला ले लिया है। वी वुड हैव इंजॉयड, हमने इंजॉय किया होता, इफ टॉम हैड ब्रॉट, अगर टॉम लेकर आया होता द बर्थडे केक। आई रिपीट, वी वुड हैव इंजॉयड, वुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, हमने इंजॉय किया होता, इफ टॉम, अगर टॉम हैड ब्रॉट, लेकर आया हुआ होता द बर्थडे केक, बर्थडे केक। तो आप देखिए सेंटेंस को पहचानिए, इसका मतलब यही है कि हमने इंजॉय नहीं किया और टॉम बर्थडे केक भी नहीं लाया था। जैसे आप स्कूल में आते हैं, आप भी तो कहते हैं ना ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, अगर तुमने मुझको बता दिया होता तो मैं तुम्हारी नोटबुक ले आता, अगर मुझे पता होता कि आज टेस्ट है तो मैं याद करके आता, वही वाली बात जैसे हम जनरली कहते हैं, बहुत कहते हैं इसको, हमें इसी तरह से यूज़ करना है इसको पास्ट में। ओके, वन मोर सेंटेंस, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द कर्सर, आप सेंटेंस नंबर थ्री को देखिए, वी वुड नॉट हैव गॉट गुड मार्क्स, हमारे या हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले होते, हमें अच्छे मार्क्स
नहीं मिले होते, वुड वाला सेंटेंस पहले ले लिया है मैंने, वी वुड, इस बार नॉट लगाया बीच में, और हैव और थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म इकट्ठी आएगी, ठीक है। उसके बाद गुड मार्क्स लिया हमने आगे का पार्ट, फिर सिंपल वाला सेंटेंस हमें टी छोटा कर लीजिए, सॉरी, और उसके बाद क्या है, वी यहाँ से स्टार्ट है, जो मार्क्स लिखा है मार्क्स विद कॉमा, कॉमा के बाद वी हैड नॉट लर्न्ड वेल, वी डब्ल्यू डबल एल। तो अगर हमने, इफ वी हैड नॉट लर्न्ड वेल, अगर हमने अच्छी तरह से याद नहीं किया होता, मैं एक बार रिपीट कर दूँ। देखिए इसमें थर्ड में हमने दे भी लिख दिया, आप दे लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कुछ भी, ठीक है। इफ यहाँ पे हम दस मतलब पहले सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, फिर इफ वाला, दे वुड नॉट हैव गॉट गुड मार्क्स, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, इफ अगर दे, मैं दे पढ़ रहा हूँ इस बार, इफ दे हैड नॉट लर्न्ड वेल, अगर उन्होंने अच्छी तरह से याद नहीं किया होता। अब ये बॉक्स देख लीजिए, बॉक्स में इसका रूल है इफ सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म V3, इफ वाले में, दूसरा सिंपल वाले में सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। ये लेसन आपको ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आपको आ गया, आपने आज देखा फिर दोबारा देख लीजिए, कल संडे को देख लीजिए, ओके। दोबारा इसको देखने का, ये एक तरह से होमवर्क नहीं है, या आप अपने सब्जेक्ट को जानने के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, कि आपने लिखा वीडियो आपके पास आ गया है, अब आपने अपने नोटबुक में लिख लिया, दैट इज़ ओवर, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे आपने सीखना है, बड़े होकर आपको यही सब काम में आएगा, क्योंकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं, ओके। और इंग्लिश अपने आप में, जब तक ये सब नहीं आएगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे आगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे, आप फेल होंगे, इसी वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड, आई होप वॉट आई मीन टू से, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं कहना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बुक में ही है ऑलरेडी, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, इसको आप ट्राई कीजिएगा, कंडीशनल्स को आप पहले जो भी इसमें फर्स्ट कंडीशनल था उसको करके उसके एक्सरसाइज करेंगे आप, फिर दूसरा कंडीशनल करके दूसरे की एक्सरसाइज आएगी, तीसरा कंडीशनल करके फिर तीसरे की एक्सरसाइज आएगी, इसको आप इस तरह से रिवाइज करके करेंगे, और शायद लास्ट में इकट्ठा दिया हुआ है, लास्ट में एक एक एक्सरसाइज दे रखी है जो सारी है, सबको इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, मतलब मिलीजुली, ऑलराइट, सबको कंबाइन करके एक एक्सरसाइज दे रखी है, तीनों के तीनों इसमें, और बहुत बहुत इजी, मतलब इसमें आपके रियल टेस्ट होगा कि कोई गलत होगा कोई सही होगा, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसको। ऑलराइट, तो यू हैव टू कीप दिस मैंट्रा इन माइंड, मैंट्रा मीन्स मंत्रा, यू हैव टू कीप दिस मंत्रा इन इन योर माइंड, इस एक मंत्रा को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्या कि रीड वेल, रिवाइज वेल, मेमोराइज राइट, ये तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं से ही आपको इंग्लिश में ये सब लेसन्स आपको आएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, ओके, यू हैव फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे एट होम, बी हैप्पी, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।